हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको पुलिस ने 24 घंटे से अधिक समय हो गया है थाने में रख रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके नियम है और क्या आपके अधिकार हैं। मेरा नाम है एडवोकेट राजेश लोधी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं हिरासत दो प्रकार की होती है, एक होती है कानूनी हिरासत और एक होती है गैर कानूनी हिरासत। कानूनी जो गिरफ्तारी होती है उसके सीआरपीसी के सेक्शन 57 के तहत कानूनी हिरासत वह हिरासत होती है जिसमें कि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाता है, पेश किया जाता है और 12 घंटे के अंदर उस जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके परिवार वालों को सूचित करना अनिवार्य होता है। और दोस्तों, गैर कानूनी हिरासत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, पुलिस किसी भी मामले में या फिर झूठे ही केस में किसी भी व्यक्ति को उठा ले आती है, थाने में बिठा कर रखती है, दो दो तीन तीन दिन तक ना हो तो उस पर कोई मुकदमा दर्ज करती है, ना ही उसको कोई छोड़ती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके साथ अगर कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसी घटना घटित हुई है, कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ घटित हुई है और नहीं हुई है तो अगर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी कानूनी जानकारी से भरपूर वीडियोस हमारे चैनल पर बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस उठाकर ले गई है और उसको 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है तो पुलिस ने तब भी उसे ना तो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित किया है और ना ही उसको छोड़ा है तो आपको सबसे पहले एक आवेदन बनाना है और उस आवेदन को एसपी के पास में देना है। जी हाँ दोस्तों, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिस थाने से संबंधित एसपी हैं उनको आवेदन बनाकर उनकी लिखित शिकायत करनी है पुलिस वालों की और आपको एसपी के पास आवेदन देना है। उसमें बाकायदा पूरी तारीख, डेट, समय मेंशन करिए और उस व्यक्ति का नाम अगर आप नंबर प्लेट जो नेम प्लेट होती है उस पर आपने नाम अगर देख लिया है तो उसकी नेम प्लेट पर नाम देखकर आप लिखिए कि फलाने फलाने पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी हमारे पास आए थे और उनका नाम ये है, इतने बजे वो हमारे घर आए या कहीं जहाँ से उठाया है। उसका पूरा विस्तार से आप आवेदन बनाइए और उसमें लिखिए कि 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है लेकिन उन्होंने ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया है ना ही उसे छोड़ा है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में होता यह है कि जो एसपी होते हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हैं और हो सकता है कि जिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके रखा है उस पर कार्रवाई भी हो जाए, उसको लाइन अटैच भी कर दिया जाए या सस्पेंड भी कर दिया जाए। और दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि आप मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन राइट कमीशन हर राज्य में होता है, हर जिले में आपको ह्यूमन राइट कमीशन मिल जाएगा तो आप वहां जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। आप पुलिस की शिकायत कर इसमें आवेदन बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि हमें हमारे फलाने फलाने व्यक्ति को पुलिस ने इतने बजे उठाया और आज दिनांक इतने दिन हो गए हैं, उसको छोड़ भी नहीं रही है और हमारे अधिकारों का, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस पर भी मानव अधिकार आयोग एक्शन लेगा और पुलिस अधिकारी और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है और 24 घंटे के अंदर उसको छोड़ती नहीं है या फिर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लाल बटन आपको दिख रहा है आप उसको दबा दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए जिससे हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।